नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं नेहा गुप्ता। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राम सुभाग सिंह बने हिमाचल सरकार के नए मुख्य सचिव। इस्तीफा देने के बाद अनिल खाची बनाए गए राज्य चुनाव आयुक्त। हाईकोर्ट ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी देने के दिए आदेश। खालिस्तान की धमकियों के बीच सीएम जयराम 15 अगस्त को मंडी में फहराएंगे तिरंगा। आईजीएमसी में मरीजों को राहत, हार्ट अटैक और ब्रेस्ट कैंसर का इंजेक्शन मुफ्त में होगा उपलब्ध। टोक्यो ओलंपिक्स में जीती भारतीय हॉकी टीम में शामिल हिमाचली खिलाड़ी वरुण को दी सीएम ने बधाई। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को जल्द कानून बनाएगी हिमाचल सरकार। सेना के स्नाइपर डॉग की मदद से लाहौल में बीआरओ के जेई का शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से नियमित लगेंगी कक्षाएं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उत्तर प्रदेश निवासी राम सुभाग सिंह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। गुरुवार को निवर्तमान मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची के सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद जयराम सरकार ने राम सुभाग सिंह की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इस्तीफे के लिए 3 माह के नोटिस पीरियड की अवधि को भी सरकार ने रिलैक्स कर दिया है। खाची को सरकार ने प्रदेश का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त कर दिया है। राम सुभाग सिंह ने दोपहर बाद से ही अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से उन बच्चों की जानकारी कोर्ट को देने के आदेश दिए हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता में से एक को खो दिया है या अनाथ हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने का आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ के खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन 15 अगस्त को मंडी के सेरी मंच में किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी सीएम जयराम के साथ इस समारोह में शामिल रहेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 11 बजे आरंभ होगा। समारोह से पहले खालिस्तान समर्थक संस्था सिख फॉर जस्टिस से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम जयराम को तिरंगा फहराने से रोकने की धमकी दे रखी है। आज भी पन्नू ने धमकी देकर कहा है कि जो सीएम को तिरंगा फहराने से रोकेगा उसे $10,000 दिए जाएंगे। खैर, इस सब के बीच अब तय हो गया है कि सीएम जयराम ठाकुर मंडी से तिरंगा फहराएंगे। हिमाचल प्रदेश में तमाम प्रयासों के बाद भी कैंसर के मरीजों में कमी नहीं आ रही है। एक साल के अंदर 650 के करीब ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आ जाते हैं जो कि एक चिंता का विषय है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हार्ट अटैक और ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को मुफ्त में इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये इंजेक्शन मुफ्त दवा नीति के तहत दिया जा रहा है। सरकार ने 2 साल पहले मुफ्त दवा नीति को मरीजों की मदद के लिए शुरू किया था। इसके तहत बहुत से महंगे इंजेक्शन मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल निवासी ट्रक ड्राइवर के बेटे वरुण कुमार भी टोक्यो ओलंपिक्स में परचम लहराने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। वरुण हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी उपमंडल की ओसल पंचायत के रहने वाले हैं। उनके पिता ब्रह्मानंद जालंधर के मीठापुर में पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। वरुण ने अपनी पढ़ाई डीएवी स्कूल से की है। पंजाब के जालंधर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वरुण अब भारतीय पेट्रोलियम कंपनी नोएडा में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी हॉकी टीम और वरुण कुमार को शानदार जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए ये एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को जल्द ही कानून बनाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार इस योजना को कानूनी रूप देने पर विचार कर रही है
और जैसे ही इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस योजना को विधेयक के माध्यम से विधानसभा में लाकर विपक्ष की सहमति से ही कानून बनाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री कांग्रेस के आशीष बुटेल द्वारा गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानूनी अधिनियम का रूप देने संबंधी संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार शीघ्र फंड का सृजन करेगी। इस पर शहरी विकास मंत्री के जवाब से संतुष्ट आशीष बुटेल ने अपना संकल्प वापस ले लिया। जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के तोजिंग नाला में गत 27 जुलाई को लाहौल घाटी के उदयपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश और भीषण बाढ़ के चलते रंगवे नाला में बहे 3 लोगों में से आज एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बताया कि सेना के स्निफर डॉग की मदद से चलाए गए इस खोज अभियान के तहत आज एक शव बरामद कर लिया गया है। उनकी पहचान बीआरओ के जूनियर इंजीनियर राहुल कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि राहुल कुमार बिहार के निवासी थे। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत लिखित निर्देश जारी किए हैं। सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को कॉलेज में विद्यार्थियों के आने पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने और माइक्रो प्लान बनाने का पत्र जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।